नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं इस वक्त के तमाम ताजा तीन खबरों के साथ। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्र में लिखते हैं कि पीएम मोदी से उन्होंने अनुरोध किया है राज्य के 18 से 45 आयु वर्ग के लगभग 1,57,00,000 लोगों के लिए कोविड-19 के मुफ्त टीकों का इंतजाम कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना महामारी का दंश झेल रहे झारखंड के लिए इस उद्देश्य के लिए लगभग 1100 करोड़ रुपए व्यय करना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि 18 वर्ष से 45 वर्ष के राज्य के नागरिकों को दिए जाने वाले कोविड-19 के टीकों की संख्या लगभग 1,57,00,000 होगी और इतने टीके खरीदने के लिए राज्य को कम से कम 1100 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो फिलहाल अब मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि आप 18 साल से ऊपर के लोगों को भी अपनी तरफ से ही टीका मुहैया कराइए, जैसे कि 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए इस वक्त केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त में टीका भेजा जा रहा है राज्यों में। तो 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी जो टीका लगेगा उसका खर्च भी केंद्र सरकार वहन कर, और इसी को लेकर पीएम को सीएम ने खत लिखा है। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जो कोटा आता है वैक्सीन का वो पर्याप्त नहीं रहता है, तो उसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो ये भी मांग किए। झारखंड का ऑर्डर पूरा करने में कंपनी देरी कर रही है, कंपनियों से पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिलने का पत्र में जिक्र किया गया। वैक्सीन की कमी से प्रभावित हो रही टीकाकरण अभियान हर वर्ग के टीकाकरण के लिए सरकार का संकल्प है। तो खत लिखते हुए टीकाकरण में आ रही समस्याओं का जिक्र करते हुए गुहार भी है कि 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए भी जो टीका है वो केंद्र सरकार उसका खर्च वहन करे, जैसे कि 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए सरकार कर रही है।